hello everyone welcome to the layman way and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in upsc prelims where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers and guys this program is all free so don't forget to smash the like button subscribe and also turn on the notification alright if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist and guys if you're following this course do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys so that we can motivate one another and let's get started चलिए दोस्तों आगे continue करते हैं अपना lecture, है ना 2015 का पेपर डिस्कस कर रहे tips and tricks ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं सॉरी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टर्न फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओशियन करेंट्स मालूम होने चाहिए है ना ओशियन करेंट्स का वो जो मैप है जिसमें वार्म और कोल्ड करेंट्स आते हैं तो इक्वेटर पे आप देखोगे कि इक्वेटर पे आप देखोगे तो ऐसे काउंटर करेंट्स रन करते हैं एक यहाँ से आ रहा होता है तो काउंटर करेंट इधर से आ रहा होता है, है ना तो ये पूछ रहा है कि ऐसे काउंटर करेंट क्यों आता है अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे इसको है ना तो एक बार और पर फिर भी हम क्या करेंगे ऑप्शन को देखते हैं ऑप्शन से सेंस निकालने का कोशिश करते हैं कि क्या इसकी वजह से ये हो हो सकता है चीज़ ठीक है तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होता है कि देखो अपनी अर्थ है ऐसे है ना तो ये है और यहाँ पे इक्वेटर है ठीक है तो यहाँ से एक करंट आता है इक्वेटोरियल करंट फिर इसको काउंटर करते हुए दूसरा ऐसे ही इक्वेटोरियल काउंटर करंट इधर से आने लगता है ठीक है तो ये पूछ रहा है कि जब ये यहाँ से आता है थीके? तो ये उसका काउंटर करके क्यों आता है ये करंट ठीक है अगर मान लो ईस्ट टू वेस्ट करंट आ रहा है इक्वेटोरियल करंट तो वेस्ट टू ईस्ट काउंटर करंट क्यों ओरिजिनेट होता है ठीक है हम देखोगे ना यहाँ से आता है फिर ऊपर जाता है फिर ऐसे एक गायर बनता है इधर है ना सरगासो सी आता है इधर है ना ये सब बनता है ना और फिर ये वाला आपका यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है पिरोवियन कोस्ट पे तो ये जो काउंटर करंट होता है वो क्यों आता है ये बोल रहा है तो पहला है अर्थ अर्थ रोटेशन ऑन एंड एक्सिस क्या एक्सिस के रोटेशन की वजह से हो रहा है एक्सिस के रोटेशन की वजह से क्या होता है कोरियोलिस फोर्स लगता है ना कोरियोलियस फोर्स की वजह से ओशन करेंट्स मूव करते हैं ठीक है और हमने क्या देखा था कि ओ, जो कोरियोलियस फोर्स है ठीक है कोरियोलियस फोर्स कहाँ एक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है हमने ये देखा था ना कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे नहीं लगता है ये आपको मालूम होना चाहिए तभी तो साइक्लोन्स यहाँ इक्वेटर पे नहीं बनते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो रहता है है ना यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है ठीक है क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लगता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना जैसे मान लो कोई यहाँ पर बॉडी है, है ना अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से है ना और ये बॉडी लेट से सेंटर से आर डिस्टेंस पर है तो इसका हम जो वेलासिटी निकालते हैं वो आर इंटू ओमेगा करके निकालते हैं ठीक है ऐसे करके फिज़िक्स में कंसेप्ट है ठीक है तो ये जब आर जीरो हो जाता है या आर जीरो हो जाता है मतलब हम इक्वेटर पे हैं तो ये पूरा टोटल फोर्स हो जाता है ज़ीरो ठीक है तो इसी वजह से कोरियोलस फोर्स इक्वेटर पे ज़ीरो लगता है करेक्ट समझ में आ गया तो ये तो हो नहीं सकता है ना क्योंकि कोरियोलिस फोर्स तो जीरो लगता है तो उसकी वजह से तो काउंटर करंट नहीं आएगा ठीक है अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करेंट्स विच एक्सप्लेन द ईस्टर्न फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल मतलब ये जो करंट है ईस्टर्न ईस्टर्न जो ईस्ट जा रहा है ये ईस्ट है है ना ये वेस्ट है अपना तो ये जो करंट है ये इधर क्यों जा रहा है ठीक है ये पूछ रहा है तो क्या है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से आ रहा है नहीं ये तो हो रहा है कन्वर्जेंस इसकी वजह से थोड़ी जा रहा है ये ठीक है डिफरेंस इन द सेलिंडिटी ऑफ वाटर अक्रेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर इक्वेटर अच्छा ये सैलिनिटी की वजह से भी नहीं है है ना सैलिनिटी की वजह से भी ये तो नहीं आता सेलिनिटी की डिफरेंस की वजह से ये तो नहीं आ रहा है सेलिनिटी का डिफरेंस नहीं है एक्चुअली क्या होता है कि जब यू you नो know, ये वाला करंट फ्लो करता है यहाँ वाला करंट फ्लो करता है तो क्या होता है यहाँ पे पानी आ, मतलब जो ये सारा पानी है ना जो यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी आता है वो एक्यूमलेट हो जाता है इधर उस एक्यूमलेशन की वजह से क्या होता है इसका लेवल रेज हो जाता है है ना इसका लेवल यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो रेज़ हो जाता है यहाँ पर कम रहता है तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से ये इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है ठीक है तो इसकी वजह से ये फ्लो करता है ठीक है आकरेंस और बेल्ट ऑफ काम ये भी नहीं है काम की बेल्ट आएगी नीयर इक्वेटर तो क्यों फ़्लो करेगा ठीक है तो एक ही ऑप्शन बचता है जो है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ये जो बनता है वो किस वजह से बनता है ये देखो कोरियोलेस फोर्स की वजह से बनता नहीं ये तो हम श्योर शॉर्ट श्योर हैं इसमें कि जीरो रहता है ना डिफरेंस इन द दैलिटी ऑफ वाटर इसकी वजह से भी नहीं होता क्योंकि ये हमको पता है कि ये किस वजह से होता है क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल करंट आ रहा होता है तो वाटर सारा एक्यूमुलेट इधर हो जाता है इधर वाटर एक्यूमलेट हो जाता है तो इस वजह से ये पानी रेज हो जाता है जिस वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और उसी वजह से इकटोरियल करंट जनरेट होता है ठीक है तो काम बेल्ट की वजह से भी नहीं हो रहा है मतलब सबसे सही ऑप्शन इसमें बी ही हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है इसमें है ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही हो सकता है कि कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स मतलब दो करंट इधर से आ रहे हैं है ना तो उनके कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है यहाँ पे सी लेवल बढ़ जाता है ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है ये है ना उसकी वजह से हो जाता है तो कभी कभार क्या होता है ना ऐसे आपको जो इंफॉर्मेशन मालूम हो सकता है सही हो बट उससे मैच करता हुआ कभी कोई ऑप्शन नहीं रहते तो क्या करना है आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मारना है वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो हम यहाँ पे बी मार देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं प्लेस ऑफ पिलग्रमेज प्लेस ऑफ पिलग्रमेज दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है ठीक है तो ये ये लोकेशन है और ये यू नो ये लोकेशन है और ये हिल्स हैं मतलब जो भी दिया हुआ है अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं वन है तीन में तीन है तीन में तो इन दोनों में से कोई एलिमिनेट कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है सि्री सैलम सि्री सैलम नलामला हिल्स में ये साउथ में हमको मालूम है सि्री सेलम भी साउथ में ही है ठीक है मान लो हमको नहीं मालूम है ये कि स्री सैलम एक्चुअली नलामला हिल्स में है कि नहीं है ना तो वैसे तो है बट मान लो अगर आपको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे वन को डाउटफुल वाली कैटेगरी में डाल देंगे और फिर हम आ जाएंगे इधर ठीक है जो हम ऑप्शन रिलेट कर पा रहे हैं जैसे पुष्कर है पुष्कर कहाँ पर है पुष्कर राजस्थान में है ना पुष्कर मेला आपने सुना होगा पुष्कर राजस्थान में और महादेव हिल्स का है महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है ना महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में इट्स नॉट इन राजस्थान महादेव महादेव के नाम कैसे याद करोगे महादेव मतलब मध्य प्रदेश मध्य नाम राइम करता है ना इससे तो ठीक है महादेव है मध्य प्रदेश में अपना और पुष्कर है ये दोनों फेमस लोकेशन हैं क्योंकि आप नॉर्मल फिजिकल जोग्राफी का भी मैप पढ़ते हो ना तो उसमें ये सब महादेव हिल्स गर्जात हिल्स जो उड़ीसा में है है ना अजंता रेंज विंध्यांचल रेंज ये सब दिखता है है ना तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए तो थर्ड अगर गलत कर देते हैं हम तो हमारा आंसर आ गया वन ठीक है तो एलिमिनेट करके हो गया ऑप्शन ठीक है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रॉलेट सत्याग्रह के कंटेक्स में कौन सी यू नो चीज़ सही है रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था उन्नीस सौ उन्नीस में हुआ था है ना तो uh, ये टाइमलाइन अगर आपको याद है कि उसी टाइम हुआ था जब जी नहीं नहीं गांधी जी नए नए आए थे ना गांधी जी उन्नीस सौ पंद्रह में आए थे है ना और ये सब स्ट्रगल्स चल रहे थे तो रॉलेट सत्याग्रह में है ना रॉलेट रॉलेट एक्ट आया था उन्नीस में है ना तो फिर ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तो रॉलेट में क्या हुआ था कि भाई सिडिशन के चार्ज पे लोगों को अंदर कर देते थे बिना ट्रायल के है ना बिना ट्रायल के उनको पनिश कर रहे थे है ना ट्रायल का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे उनको पनिश कर दे रहे थे यही था रॉलेट सत्याग्रह अब क्या बोलता है देखते हैं द रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिडिशन कमेटी हाँ क्योंकि सीडिशन के चार्ज पे उनको अंदर कर रहे थे बिना ट्रायल के है ना दो साल के लिए ऐसा कुछ था है ना तो ये तो सही है ठीक है और कौन सा ऑप्शन है टू देखते हैं टू को एजमिट करने से आ सकता है इन राट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू तो यूज़ द होम रूल ही मान लो आपको ये नहीं मालूम है वैसे तो करी थी मान लो आपको नहीं मालूम है ये तो क्या करोगे थर्ड पे आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन को इन साइड विद रॉलट सत्याग्रह ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था साइमन कमीशन तो कब आई है साइन साइमन कमीशन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में आई है ना 1927 में साइमन कमीशन है ना और ये सत्याग्रह कब हुआ था ये सत्याग्रह हुआ है 1919 में है ना तो टाइमिंग मैच नहीं कर रहा तो सेम कैसे हो सकता है ठीक है थर्ड गलत हो गया ये गलत कर देते हैं आप देखो थर्ड गलत करके आपने फिफ्टी फिफ्टी तो एलिमिनेट कर दिया ठीक है थीके? अब अगर आपको ये वाला मालूम है इन दोनों में से कोई एक मार सकते हो अगर मालूम है कि गांधी जी आप देखो इसको कैसे कर सकते हो कि गांधी जी ने यूज़ किया था कि नहीं देखो होम रूल लीग एनी पेशेंट ने सेटअप करी थी 1915 के आसपास है ना आ, वहीं उसी टाइम लाइन में है और उन जब गांधी जी भी वहीं उसी टाइम नए नए आए थे है ना और आपको पता होगा कि होम रूल लीग फाइनली ये जो एनी बेसेंट और तिलक ने आ, अलग करके चलाई थी अपनी है ना उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी सपोर्ट किया था फिर है ना तो और नेहरू और तो गांधी ने बेसिकली गांधी जी ने सॉरी गांधी जी ने बेसिकली होम रूल लीग को अंदर लिया था क्योंकि उस टाइम वो नए नए आए थे पता था नहीं कुछ भी तो उस टाइम उन्होंने होम रूल लीग का हेल्प लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं था गांधी जी का उस टाइम ठीक है वो तो बाद में बढ़ा ना तो गांधी जी ट्राई टू यूज़ होम रूल लीग इन रावलेट सत्याग्रह ठीक है उन्होंने कहा कि आपका रीच ज़्यादा है एनी वेसन बहुत पॉपुलर थी उस टाइम जब उनको जेल में डाल दिया था उन्नीस में वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी इनफैक्ट वो यू नो आ, उनकी प्रेसिडेंट भी बन गई थी कांग्रेस सेशन की ठीक है तो उनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने होम रूल लीग को यूज़ किया था रावलेट सत्याग्रह में लोगों को लाने के लिए ठीक है तो आंसर हो गया बी विद रेफरेंस टू फ्लाई एश अब फ्लाई एश की कहाँ से आती है फ्लाई एश कोल वाले थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ से आती है फ्लाई एश ठीक है इस पे देखो ये क्वेश्चन आया है कब 2015 में ठीक है और सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 2019 में भी इनफैक्ट फ्लाई एश पे कोल ऐश पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो सिमिलर कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं देख रहे हो जो फ्लाई एश प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट से यूजिंग कोल एज अ फ्यूल विच ऑफ द इज करेक्ट फ्लाई फ्लाईस से रिलेटेड कौन सी चीजें करेक्ट हैं ठीक है फ्लाई एश कैन बी यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकती है ब्रिक के प्रोडक्शन में यूज़ क्या दिक्कत है अगेन यू नो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको रिमूव करना है मतलब इसका कोई यूजफुल पर्पस निकालना है ठीक है फ्लाई एश कैन बी यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ द कंट्रीज अगेन करेंट स्टमेंट जर्नलाइज स्टमेंट फ्लाई एश इज़ मेड अप ऑफ़ डाई ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाईऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स तो ऑनली गलत हो गया इसमें तो बहुत कुछ होता है मरकरी लडी ये सब भी होता है ना इंडस्ट्री से निकल रही है तो सिर्फ सिलिकन और कैल्शियम कैसे हो सकता है तो थर्ड गलत हो गया थर्ड गलत हो गया टू सही था वन भी सही है तो ए हो गया ठीक है विद रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ठीक है अब ड्यूगोंग के बारे में बात कर रहा है ठीक है ड्यूगोंग इज़ इज़ ऑल्सो नोन एज सी काओ ठीक है अगर आपको बस इतना कंसेप्ट पता है इसका कि ड्यूगोंग को हम सी काओ भी बोलते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे ठीक है और कुछ जानने का ज़रूरत ही नहीं है ठीक है तो अभी देखो इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो टू दो बार है थ्री दो बार है ठीक है एलिमिनेशन करने का कोश, कोशिश करते हैं ठीक है सी काओ बोलते हैं ड्यूबोंग को ठीक है इट इज़ अ हर्बी वोरस मरीन मरीन एनिमल एनिमल तो सी काओ अगर बोलेंगे तो मरीन है और काओ है तो हरबी वोरस है तो सही है वन तो सही है अगर वन सही है तो ए हो गया या तो या तो सी हो गया ठीक है आप देखते हैं टू और थ्री में देखते हैं कौन सा तो सही है इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया हर जगह मिलता है कहीं भी चले जाओ हर जगह ड्यूबोंग मिलता है ऐसा है क्या ऐसा तो नहीं है वैसे ठीक है इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शड्यूल वन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड है ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड है ये ना, है ना न्यूगॉन्ग प्रोटेक्टेड अगर आपको ये नहीं भी मालूम है कि शेड्यूल वन में तो भी प्रोटेक्शन तो है ना इसको ऐसा कोई बहुत अबंडेंट एनिमल uh, थोड़ी है ड्यूगोंग है ना तो एंटायर कोस्ट में मिलता है ये तो गलत है हर जगह तो नहीं मिलता है ठीक है तो टू गलत हो गया और आंसर क्या हो गया वन एंड थ्री ठीक है वेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलिंग इज लाइकली टू हैपन कंसेपचुअल क्वेश्चन है अच्छा है और स्कोरिंग क्वेश्चन भी है एस क्या बोल रहा है एस एल आर को अगर आप पचास बेसिक पॉइंट से कम कर देते हो तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ठीक है तो इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एस एल आर होता क्या एस एल आर क्या होता है कि बैंक जो अपना यू नो जब जो आप डिपॉज़िट करते हो तो उसका कुछ परसेंटेज जैसे मान लो ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो पैसा आपने डिपॉज़िट किया है उसका कहाँ जाता है गोल्ड में जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है है ना कैश में रहता है और बॉन्ड्स में रहता है है ना यहीं सब रहता है पैसा ये वाला कंपल्सरी पैसा यहाँ पार्क करना रहता है बैंक को ठीक है तो वो होता है एस ठीक है अभी क्या बोल रहा है क्या होगा अगर हम एस को कम कर देंगे ठीक है एस एल बेसिकली क्या होता है कि सम, मैंने बता दिया एस एल क्या होता है कि आपने अगर पैसा दिया तो बैंक कुछ पैसा रिजर्व में रख देता है और बाकी लेंड करता है आगे है ना तो एस जैसे मान लो ट्वेंटी है तो ट्वेंटी ऑफ द पैसा आपका इधर बैंक रख देगा तो उसके लिए लैंडिंग कितना बचा उसके लिए लैंडिंग एट्टी परसेंट बचा अगर मैं मानूँ कि सिर्फ एस एल आर है ठीक है तो अगर मैं एस एल आर को कम कर दूंगा अगर ये परसेंटेज को मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा है ना मान लो बीस से मैं दस परसेंट कर देता हूँ तो बैंक के पास अस्सी से नब्बे परसेंट पैसा बचेगा आगे लैंड करने के लिए है ना तो क्या होगा आगे लेंड ज़्यादा करेगा ये तो देख लेते क्या क्या बोल रहे हैं इंडियाज़ जी डी पी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा क्या ऐसा तो नहीं होता ड्रास्ट्रिकली तो नहीं बढ़ेगा तो ये गलत हो गया बी क्या है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री मतलब कि बाहर से ज्यादा कैपिटल इंडिया में आने लगेगा <coughs> क्या पता शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स ओके इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ड्रास्टिकली तो कुछ नहीं होगा ठीक है अब हमारा क्या बचा हमारा बचा बी और सी में से ऑप्शन ठीक है कि एफ ज्यादा आ जाएगा मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगा या फिर दूसरा क्या है या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट कम कर देंगे ठीक है तो अभी देखो अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि मान लो आपका एस एल आर बीस परसेंट है ठीक है तो बैंक के पास कम पैसा है आगे लेंड करने के लिए ठीक है बैंक के पास अस्सी परसेंट पैसा ही लेंड करने के लिए तो बैंक क्या करेगा अपना काम चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट इसमें हायर रखेगा ना एज़ कम्पेयर टू जिसमें एस एल आर दस परसेंट है और उसके पास पैसा ज़्यादा है लेंड करने के लिए उसके पास पैसा ज़्यादा है लेंड करने के लिए उसके एक्सपेंसेस तो फिक्स हैं बैंक के एक्सपेंसेस फिक्स हैं ना बैंक के एक्सपेंसेस तो चेंज होंगे नहीं तो बैंक जो लैंड कर रहा है उससे जो पैसा इसके पास आ रहा है वहीं से तो इन एक्सपेंसेस को फंड करता ही है ना ठीक है अब इसके पास अगर ज़्यादा पैसा है लैंड करने के लिए तो वो कम इंटरेस्ट रेट पर लैंड कर देगा क्योंकि पैसा उसको उतना ही चाहिए और अगर इसके पास पैसा कम है तो हायर इंटरेस्ट रेट पर लेंड करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट तो चाहिए ना अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए चाहे आप बीस परसेंट रखो चाहे दस परसेंट रखो मेरा एक्सपेंस तो फिक्स है है ना तो मेरे को तो पैसा उतना ही चाहिए समझ में आ रहा है तो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं इंटरेस्ट रेट उसका कम रखूँगा क्योंकि मैं काम चला लूँगा उससे मेरे पास ज़्यादा नॉर्मल पैसा आ जाएगा तो अपने एक्सपेंसिज को कवर करने के लिए बट जब मैं यू नो you know, कम रखूँगा जब जब मेरा बाहर लैंड करने का मेरे पास पैसा कम है तो मैं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखूँगा ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसा आए समझ में आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स ठीक है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर अगेन नैनो टेक्नोलॉजी क्या है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है इसका है ना तो देखते हैं आगे नैनो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है नैनो मतलब बहुत ही छोटा माइक्रो नैनो लेवल पे है ना नैनो लेवल पे मतलब आपकी बॉडी में चला जाएगा बैक्टीरिया लेवल पे टारगेटेड ड्रग ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल टारगेटेड ड्रग ड्रग को हम टारगेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मान लो ऑर्गन को ड्रग देनी है कोई तो हम वो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हैं ना क्योंकि बहुत ही छोटे स्केल पर काम करता है नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी कर सकता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो क्या हो गया सी हो गया ठीक है विच वन ऑफ द following इज द नेशनल aquatic एनिमल ऑफ इंडिया अब ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है डॉल्फिन है और इसमें अब आप क्या करोगे बाकी जो इसमें स्पीशीज मैंशन है सॉल्ट वाटर कोकोडाइल ओलेव रिडले घड़ियाल इन सब को क्या चेक करोगे कहाँ कहाँ मिलते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क सेंचुरी में मिलते हैं और क्या क्या स्टेटस है साइट्स और डब्ल्यू का क्या क्या स्टेटस है ये आप जाके आज घर में देखोगे ठीक है देखो यू क्लियर करना है तो ये सब करना पड़ेगा आप सोचोगे तो हर कुछ हाथ में मिल जाए तो वैसे नहीं होता ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं बट जब तक हम ट्राई करें तब तक आप मतलब अपने से भी कुछ करो है ना ठीक है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांग सी एस जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके रिस्पेक्ट में कुछ कुछ चीज़ें पूछी हैं ठीक है इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस नॉर्मल चीज़ है ये तो ब्रिटिश की खराब बात थी है ना और इस सोशलिस्ट पार्टी तो पॉजिटिव थी सोशलिज्म पे काम करती थी है ना तो वेलफेयर ऑफ पीपल पे काम करती थी है ना तो ये पॉजिटिव चीज़ें इंश्योर करेगी तो जितने भी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे सही होंगे ठीक है तो ये क्या है बॉयआउट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का और टैक्सेस का जो विविजन हो रहा है उसको हटाएंगे इसको एडवोकेट करती थी हाँ करती थी पॉजिटिव चीज़ है ना ये पॉजिटिव पॉइंट है दूसरा क्या है इट वॉन्टेड टू स्टैब्बलिश अ डिक्टेटरशिप ऑफ पॉलिट ये क्या है ये नेगेटिव चीज़ है डिक्टेटरशिप इस्टैब्लिश करने के लिए थी क्या नहीं डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं थी तो टू गलत हो गया टू अगर गलत हो गया मेरा तो अच्छा ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया एनी अच्छा वन ये हो सकता है सही तीसरा क्या है इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑपरेट्स क्लासेस तो ये भी गलत है ये भी नेगेटिव चीज़ है ना ये गलत चीज़ है तो एक ही ऑप्शन सही लग सकता है जो है वन क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना बट अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन समझ <coughs> में आ रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर नन देखो ये ट्रिक है है ना क्योंकि हमको पता नहीं कांग्रेस अगर आपको देखो आप पढ़ा है अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या क्या काम है तो कर लोगे अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आप कांग्रेस सोशलिज्म पे काम करती है सोशलिज्म पॉजिटिव चीज़ है ठीक है तो जनरली इसके पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होते हैं ठीक है पहला जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दूसरा क्या है नेगेटिव है तो ये गलत है ठीक है तीसरा भी क्या है नेगेटिव है सेपरेट इलेक्ट्रोट्स हम नहीं चाहते थे हो ये भी गलत है तो अगर टू और थ्री हम गलत कर देंगे तो हमारे सारे ऑप्शन ही चले गए तो एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा नन तो क्या क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये भी मकसद नहीं था ठीक है ये भी उसने एडवोकेट नहीं किया था कि बॉयकट करो ब्रिटिश गुड्स को है ना तो ऐसे आंसर आ सकता है ठीक है सी एस पी एडवोकेटेड या पढ़ लेना आराम से क्या उन्होंने एडवोकेट किया था है ना <coughs> आगे बढ़ते हैं द राज्यसभा हैज़ नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल है ना तो ये तो सही बात है राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है उसके पास बस चौदह दिन होते हैं कोई डिसीजन देने के लिए या अमेंडमेंट सजेस्ट करने के लिए है ना उसके बाद इट इज़ डीम टू बी पासड तो ये सही है राज्यसभा हैज़ नो पावर इधर तो टू रिजेक्ट और तो टू तो अमेंड अपड अ मनी बिल है ना अमेंड नहीं कर सकता ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है ना रिकमेंडेशन देता है कि हमको ये चेंज चाहिए बट जरूरी नहीं है लोकसभा उसको माने समझ में आ गया तो ये पहला सही है पहला सही है, पहला सही है अच्छा तो हम क्या कर देते हैं दूसरा देखते हैं तीन में है ना दूसरा राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स तो सही है हाँ डिमांड फॉर ग्रांट्स कहाँ आते हैं सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं है ना तो दूसरा भी सही है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या है ये गलत है बजट को क्या राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकता कर सकता है बिल्कुल दोनो, दोनों दोनों हाउस में डिस्कशन होता है उसका है ना तो थर्ड गलत हो गया क्या आंसर हो गया बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन क्लियरली डिफाइंड नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन जो मॉन्टेग्यू चेंट फॉर रिफॉर्म्स हैं उन्होंने क्या डिफाइन किया था ठीक है पहला क्या है द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में पावर सेपरेशन की बात करी थी पहला पॉइंट ये बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है जोजिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की बात करी थी सेंटर और स्टेट के पास क्या क्या यू नो पावर्स हैं किस पे किस पे वो लॉ बना सकता है उसके लिए उसने उसके बात करी थी और पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ़ द स्टेट एंड ऑफ वॉइसरा के बारे में कुछ बात करी थी ऐसा बोल रहे हैं तो देखो अब ये जितने मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया कि जितने भी एक्ट्स हैं ना कहाँ से लेकर सेवनटीन से लेकर हम कवर करने वाले हैं उसको तो देखिएगा उसको ज़रूर सेवनटीन से लेकर नाइनटीन तक ब्रिटिश राज में जितने भी एक्ट्स हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इम्पॉर्टेंट मतलब आप ये समझ लो कि हर साल एक क्वेश्चन तो आएगा ही इससे आता ही है मतलब आता ही है ठीक है तो इतना सुपर इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है तो पिछले दस साल के आप पेपर उठाओगे ना तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है एक्ट से तो एक्ट्स एंड पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो मॉन्टे की चिंग्स फॉर रिफॉर्म्स जो थे उसमें क्या हुआ था डायर की इंट्रोड्यूस हुई थी है ना कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी डायर की प्रोविंस में उसमें क्या डिफाइन किया था एक प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट से और एक रिज़र्व सब्जेक्ट थे है ना रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हुआ था कि सिर्फ गवर्नर और उसी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बना सकती थी है ना उसमें डिस्कशन का ज़रूरत नहीं था और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे उसमें एड ऑफ मिनिस्टर्स विद एड ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं हैंड मिनिस्टर्स थे काउंसिल में उनका व्यू लेके उनको लॉ बनाना था है ना यही था तो बेसिकली जो रिजिक्शन इसने डिफाइन किया ना सेंटर और प्रोविजन में सेंटर पे कौन था गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल डिसीजन लेता था तो उसमें उसकी पावर्स डिफाइन की गई कि रिजर्व सब्जेक्ट में आप इन इन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो ठीक है इन इन सब्जेक्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कौन से ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं उस पर आपको जो मिनिस्टर्स हैं उनके एड एंड एडवाइस लेना पड़ेगा है ना यही बोला था तो प्रोवेंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट से बेसिकली जुडिजन डिफाइन हुआ था समझ में आ गया जुडिशरी की तो ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी है ना तो ये हो गया और देखो और कैसे गलत कर सकते थे इसको ये बोल रहा है पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ठीक है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ये वैसे गलत हो गया वाइसरॉय भी उसी टाइम आया था ठीक है वाइस तो था ही नहीं नाइनटीन में गवर्नर जनरल था तो ये तो वैसे ही गलत हो गया बाकी जुडिशरी जुडिशरी के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम प्रिवी काउंसिल थी ठीक है तो ये भी गलत हो गया ए गलत हो गया सी गलत हो गया बचा बी और डी इनमें से आपको चूज़ करना है अब ज़्यादा बेटर ऑप्शन बी ही है नन ऑफ दीज नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है हमको नहीं पता क्या है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट मेरे को नहीं पता क्या है अब बिना उसके सॉल्व करेंगे ठीक है अब नियर फील्ड का क्या मतलब हो रहा है नियर फील्ड का क्या मतलब है नियर फील्ड मतलब, मतलब पास में कोई ऐसा चीज़ होगा जो बहुत ही पास में रह के काम कर पाए है ना वही होगी नियर फील्ड कम्युनिकेशन अब देखो इसका मतलब क्या है नियर फील्ड कम्युनिकेशन हमको कम्युनिकेट करना है ठीक है हम कम्युनिकेशन में क्या होता है डेटा का ट्रांसफर होता है ना आप जैसे मान लो आप फ़ोन पे बात करते हो एक दूसरे से तो क्या होता है आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह है ना तभी आपकी आवाज़ वहाँ तक जा पाती है कम्युनिकेशन वही होता है मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे तो क्या होता है डेटा ट्रांसफ़र होता है ना तो अब ये डेटा ट्रांसफ़र करना है बट हम नियर फील्ड में ही करेंगे ठीक है नियर फील्ड मतलब ऐसा नहीं है आप मुंबई में बैठे हो और मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ये नहीं बोल रहा है ठीक है नियर फील्ड मतलब बहुत ही पास में जैसे आजकल ये सब आ रहा है ना वायरलेस चार्जिंग टाइप तो वायरलेस चार्जिंग या फिर आ, आ, ऐसे पास में रखो तो चार्ज हो जाए है ना इस टाइप से वो होता है नियर फील्ड जैसे वाईफाई वाईफाई कैन बी एन एग्जांपल कैन बी एन एग्जांपल मतलब कुल मिला के बाद ये कि एक डि दिवा, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के बहुत पास रखना पड़ेगा जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है ठीक है जैसे मैगनीट्स हो गए मैगनेट्स जो हैं वो नियर फील्ड में आएंगे ठीक है समझ में आ गया तो इस टाइप का टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है ठीक है क्या बोला है इट इज़ अ कॉन्टैक्ट लेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज़ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियो फील्ड सही है कॉन्टैक्ट लेस है ना जैसे मैं बोला था वायरलेस चार्जिंग वायरलेस में तो खैर कॉन्टैक्ट हो जाता है बट मतलब कुल मैं समझ लो एक बहुत ही पास में रख के अगर कुछ ऐसे मान लो फ़ोन आप, आपका चार्जर यहाँ है और आपका फोन जैसे उसके पास में पड़ा है ठीक है और आपका ये चार्ज हो रहा है ठीक है तो दैट इज़ कॉल्ड अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन ठीक है तो so, ये सही है वन सही है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है आप थ्री देख लेते हैं थ्री देख लेते हैं एन एफ सी कैन यूज़ इंक्रिप्शन वैन सेंडिंग सेंसिटिव इफॉर्मेशन सही है इनक्रिप्शन क्या होता है जैसे व्हाट्सएप पे आप देखा होगा ना कि इसमें लिखा होता है दिस चैट इज़ इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड मतलब जो भेज रहा है है ना, ना और जो रिसीव कर रहा है बस वही दोनों इस डेटा को देख पा रहे हैं बीच में जितनी भी पार्टी हैं जैसे व्हाट्सएप का सर्वर है वहाँ पर डेटा स्टोर नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन ठीक है इंक्रिप्टेड है मतलब सिर्फ ये सेंडर और अपना रिसीवर बस यही यही डेटा को एक्सेस कर सकता है ठीक है तो सही है यहाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता थ्री भी सही है वन और थ्री सही है अब टू देख लेते हैं एन एफ सी इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ बाई डिवाइस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ ईवन अ मीटर देखो अब इसमें क्या बोला इवन अ मीटर मतलब मीटर मीटर uh, या उससे दूर हो तो भी हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं तो क्या ये सही हो सकता है नहीं नियर फील्ड का नाम ही यही है कि बहुत पास होना चाहिए मीटर तो बहुत दूर हो गया है ना मीटर तो बहुत दूर हो गया हमने तो ये बात किया ना कि आपको डिवाइस uh, के पास में रखना पड़ेगा तभी जाके वो चार्ज होगा है ना तो मीटर इज़ वेरी फार अवे ठीक है तो ये हो गया गलत क्या हो गया आंसर वन एंड थ्री अब देखो इसमें ना इंटरप्रिटेशन की बात है किसी किसी को लगेगा यार नियर फील्ड होता है हाँ मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊँ इसको मैं नियर फील्ड बोलता हूँ ठीक है तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है अगर मान लो आपको ये नहीं भी पता है तो भी आपने क्या किया वन और थ्री अगर सही है आपका तो ये दो ऑप्शन है आप एलिमिनेट कर सकते हो ठीक है लॉजिक से बाकी फिर आपके ऊपर है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो नियर फील्ड का मतलब यही होता है कि पास में रखा हो वो चीज़ है ना नॉर्मल लॉजिक यही है कि पास में रखा हो आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप सोचोगे अरे मैं एक कमरे में रखा हूँ फ़ोन और दूसरे कमरे में चार्जर पड़ा है तो चार्ज हो जाए तो वो नियर फील्ड नहीं है है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वन एंड थ्री आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स वंशधारा इंद्रावती प्राणहिता पिन्नार ठीक है इसमें गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं ये पूछ रहा है ठीक है तो देखो मैंने ये क्वेश्चन बस इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था पिछली बार जितनी भी रिवर्स हैं मेजर है ना उनके ट्रिब्यूटरीज आपको पता होना चाहिए पहले ब्रह्मपुत्र का पूछा था पिछले पिछले टू में हम डिस्कस कर रहे थे इस बार गोदावरी का पूछ दिया समझ रहे हो कभी आगे कृष्णा का देगा फिर किसी और का पूछ देगा तो ये सब जो है ना ये सब ट्रिब्यूटरी तो से पेनार जो है पेनार इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है ना कावेरी की ट्रिब्यूटरी है बाकी वंशाधारा इंद्रावती आर है तो ना तो देख लेते कौन कौन सी पूर्णा प्राणहिता इंद्रावती सबारी तलीपेरु वेनगंगा पेनगंगा वर्धा दु, दुधाना दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन है प्रवाना मंजीरा पेड़ावागु मनैर एंड किन्नर सैनी ठीक है ये सब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ठीक है आगे बढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा बुद्धा की लाइफ से कौन कौन से चीज़ें एसोसिएटेड हैं अगेन द सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटेड दिस इज़ अ रिपीट फ्रॉम 2014 तो so, इसके पिछले साल वाला जो पेपर है 2014 वाला उसमें सेम क्वेश्चन पूछा है सेम क्वेश्चन तो फिर से रिपीट कर दिया 2015 में ठीक है तो so, समझ में आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो और ये जनरली जो बुद्धा से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना ये तो पढ़ ही लेना जैनिज्म एंड बुद्धिज़म दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू आपने देखा होगा पिछले पार्ट में भी हमने ही नाया महानाया बुद्धिज़म पे क्वेश्चन पूछे गए है ना जैनिज्म पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब इसका आंसर क्या मगदा है मगधा है है यस मगधा है और कोसला है वैशाली है वाजी है ठीक है ये सब इसके uh, क्या बोलते हैं किंगडम ठीक है तो आप देख लेना आराम से पढ़ लेना सो दिस इज द द एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर कम्प्लीटिंग द कोर्स इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड यू हैव बीन विद अस Uh, so give yourself a big thumbs up and a big smile on your face. That is what you should be doing right now. And guys, if you got any value out of this course, would you mind doing few things for me? Would you like share, subscribe to our channel and recommend the channel to your friends and also review us. Uh, you can review us by uh, dropping a comment in the section down below or you can send your reviews at the queries at the rate the where you can also tell us what are your doubts and what you need help with because reviews help us to you know, provide even more better quality education to uh, you know, our students and believe me, there are so many, so many people, so many poor kids who want uh, these free courses who want this free education and we are trying to create a big impact on them. And we want you to be the part of this that journey so that you know we both can excel together towards providing this impact. So, um, we'll see you in the next lecture. We will be coming up with the next lecture soon and next course soon. Until then, stay tuned to our channel and study hard and keep working hard, keep hustling hard, and we'll meet together in the next lecture. Thank you so much. Bye bye. Take care.